गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज सोलसो है, सब बच्चे इकट्ठा हो गए हैं सोलसो के लिए, तैयार हो गए हैं। चलिए थोड़ी देर में सर रेस स्टार्ट करेंगे। चलिए सोलसो मीटर की रेस खत्म हो गई है। अब सारे बच्चे घूम रहे हैं एक राउंड, मैं भी दौड़ा 440 का एक राउंड के लिए रश लगा रहे हैं। चलिए मैं आपको मिलाता हूँ फर्स्ट नंबर से। ये देखिए तीनों ही हैं फर्स्ट वैसे, पर ये थोड़ा आगे आ रखे हैं। तो आप बताएंगे ये कौन है? चंपावत के धावक। जैसे कि आप जानते ही होंगे पिछले दो वीडियो में ये हमेशा फोकस में रहे थे। चलिए आप बताएंगे आपकी टाइमिंग कितनी आ रखी है? मेरी आई टाइमिंग 5:12 आ रखी है इनकी टाइमिंग सोलसो में।
पिछले बार ये 5:35 लेके आए थे, 5:33, और इस बार बहुत इम्प्रूव किया इन्होंने। और ये इस ग्राउंड में ये 5 मिनट भी लेके आ रखे हैं। हाँ, और ये हमेशा आपको हर स्प्रिंट में फर्स्ट दिखाई देंगे। तो कुछ कहना चाहेंगे आप, कैसी कैसे मेहनत करते हैं और कैसे दौड़ते हैं? बस गुरुजी का कमाल है, बस गुरुजी का आशीर्वाद है। तो अब मैं आपको थर्ड पोजीशन वाले से मिलाता हूँ। चलिए, ये हमारे कौन है? गौरव, जो बहुत खतरनाक दौड़ते हैं, एकदम विवेक के पीछे ही आते हैं ये। आजकल इनके थोड़ा पैर में दर्द हो रखी है। आप बताएंगे आपकी, विपिन के पीछे, सॉरी उनका नाम मैं भूल जाता हूँ। आप बताएंगे आपकी टाइमिंग कितनी आ रखी है? 5:37 आ रखी इनकी टाइमिंग। और पिछली बार कितनी आई थी? 5:42। इन्होंने भी 3-4 मिनट इम्प्रूव किया है। चलिए अब मैं सेकंड नंबर वाले से मिलाता हूँ आपको। ये हमारे महाराज जी, एकदम शूटर हैं, ये सेकंड नंबर पे आ रखे हैं। आपकी टाइमिंग बताएंगे आप कितनी आ रखी है? आपकी टाइमिंग 5:26 इनकी टाइमिंग आ रखी है। और बहुत खतरनाक दौड़े, हमेशा लीड बनाई थी इन्होंने। और कुछ मोटिवेशन टिप देंगे आप, कैसे दौड़ते हैं, क्या सोच के दौड़ते हैं? और प्रैक्टिस करते रहिए। अच्छा, और दौड़ते वक्त ये नहीं सोचना है कि कितना दौड़ना है। अच्छा, बस आपने आगे से अपने से आगे जो है 1-2 बंदे रखने हैं। हाँ, और उसी हिसाब से उनके साथ कदम मिलाते हुए चलना है। अच्छा, पीछे नहीं छोड़ना है बस। तो इनको ये सीख इनके मामा ने दे रखी है, जो इनके मामा पैरा कमांडो NSG में पैरा कमांडो हैं। चलिए अब सब बच्चे रेस दौड़ने के बाद रश लगा रहे हैं। अभी 400 मीटर का रश लगा के सारे बच्चे आ गए हैं, उसके बाद शायद लॉन्ग भेजेंगे सर। चलिए